आपसे एक सवाल है कि पाकिस्तान में बहुत जल्द कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, तो क्या आप वो वैक्सीन लगवाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार, मैं देख सकते हैं और आपका आज के वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन पर क्या राय है। तो पाकिस्तान में बहुत जल्द कोरोना की वैक्सीन आने वाली है। अंकल पहले सवाल तो सुन ले, वैक्सीन आने वाली है तो क्या आप वो वैक्सीन लगवाएंगे? नहीं। कुत्ते हैं बाप घुसड़ी के बाप। करते हैं मुझे कोरोना हुआ है या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो मैं बिल्कुल नहीं लगवाऊंगा। आपसे एक सवाल है कि पाकिस्तान में बहुत जल्द कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, तो क्या आप वो वैक्सीन लगवाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। वेल, आई थिंक मैं कहूँगी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान में आ रही है। बट अगर मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि मैं बिल्कुल ही यू नो बेवकूफ़ हो वाला जो है वो मारने की कोशिश करूँगी, और बिना कोरोना को हुए मैं जाके जो है वो वैक्सीन लगा लूँगी, तो मैं नहीं जाऊँगी उस तरफ। बिल्कुल लगाऊंगी, क्योंकि कुछ लोगों को तो रिस्क लेना पड़ेगा, और कुछ लोग हमेशा वही होते हैं जो आगे आते हैं जो वैक्सीन लगाते हैं और उसका फायदा सबको पहुंचता है, तो डेफिनेटली। कोरोना है नहीं, कोरोना का वैक्सीन कैसे निकलेगा? वैक्सीनेशन ज़रूर होनी चाहिए, इतनी अवेयरनेस सब लोगों को होनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में कोरोना की वैक्सीन जल्द आने वाली है, तब्दीली भी जल्दी आने वाली थी, वो भी तक नहीं आई, तो इसी लगता है कोरोना की वैक्सीन भी शायद ना आए। वैसे जब आ जाएगी तो क्या आप लगवाएंगे? लगवाने की कोई वजह? कोरोना इतनी बड़ी वजह होगा तब लगवाऊंगा ना, ऐसे लगवा दूं। ये हुकूमत की कोरोना है, दूसरी आउट कंट्री से मैं यहाँ पर आया हूँ। बेचारे हमारे वसीम बदामी साहब, हम फ़ैन हैं उनके, मीडिया में भी जॉब किए, उनके फ़ैन रह गए हैं, बट हमने आज तक नहीं सुना कोरोना है। इससे घंटे चुटिया इंसान नहीं देखा मैंने आज। वसीम बदामी की वजह से मानते हैं कि बस कोरोना है? हैं, वसीम बदामी साहब पे ट्रस्ट है कि उसमें मान गए हम कि कोरोना है, नहीं तो मानना नहीं था। अच्छा, ये बस रमजान शरीफ में रोजे रख रहे थे, हमने कहा वसीम बदामी साहब रमजान में झूठ तो बोलने से रहे, पता नहीं अब उससे डर भी लगता है। जो मुझे दो बड़े बड़े रसीले रसगुल्ले मेरे मुंह में ठूस देगा। देखेंगे दोस्तों यारों को आगे पीछे, अगर ठीक रहे वो हफ्ता 10 दिन तो फिर शायद लगवा लें। इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं लगवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रंगबाजी है, ठीक है, वैक्सीन वैक्सीन कुछ भी नहीं है, ये इन्होंने आर्टिफिशियली खुद तैयार किया था कि जी कोरोना आ गया। अब यकीन माने जब से कोरोना है मैंने खुद मास्क नहीं वेयर किया। इतनी सारी जो दुनिया में लोग कोरोना की वजह से डेथ्स हो रही हैं, क्या वो क्या है फिर? वो फेक हैं सारी। वो फेक है, आप बिल्कुल नहीं मानते? पैसे ले रहे हैं, ठीक है ना, जो मरता है उसके बॉडी के ऊपर 1 अरब 1 मिलियन जितना भी बाहर के लोग फंड्स देते हैं वो कलेक्ट करते हैं सिर्फ। आपको अगर बुखार नहीं है, मैं आपसे कहूँ 2 पैनाडोल खा के बैठ जाए तो आप खा लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कोरोना वैक्सीन क्यों लगाऊँ? चाइना से आ रहा है तो चाइना जैसा अगर ना हुआ तो फिर जैसे चाइना के मोबाइल थोड़ी देर चलते हैं, ये ना हो कि वैक्सीन भी थोड़ी देर चले और थोड़ी देर बस। आप अगर कोरोना को नहीं मानते तो आपने मास्क क्यों पहना हुआ? मास्क वैसे भी अच्छा होता है, जब कोरोना नहीं आया था आप पहले भी पहनते थे? पहले तो आम नहीं था ना, अभी आम हो चुका है। अच्छा, मतलब अब आम हो गया तो इस वजह से आप पहने, कोरोना की वजह से नहीं पहने? नहीं, पाकिस्तान 8 में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा मुल्क है, वैक्सीन नहीं बनाया जी। अगर उस दो वैक्सीन का अच्छा रिजल्ट आता है कि पता चलता है कि उसको एक्सपेरिमेंट हुए हैं, टेस्टेड है और वो ऑथेंटिक है और वो ड्यूरेबल है, उसका कोई अच्छे रिजल्ट आएंगे डेफिनेटली हम लगवाएंगे। तो आपने लोगों की राय देखी और सुनी, आप भी अपनी राय का इजहार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मरहम को देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।